Yes, today we are to start a new poem. Last time we did One Day I Wrote Her Name upon the stand by Edmund Spenser. Now today we are to start this poem, The Village Schoolmaster. The Village Schoolmaster. विलेज स्कूल मास्टर राइटर कौन है? ओलिवर गोल्डस्मिथ. ओलिवर गोल्डस्मिथ. विलेज स्कूल मास्टर बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ. ये आज का अपना टॉपिक है. आप अपनी किताब में देखें, पेज नंबर 23 पे मिलेगा. पेज नंबर 23 पे सबसे पहले देखिए लिखा है अबाउट द पोएट. ये आप लोगों को क्यों बताया जा रहा है, क्यों करवाया जा रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा प्रयास करना है कि जो भी अपने सिलेबस में किताब प्रेस्क्राइब है उसमें मेंशन अगर है तो वो हमें पढ़ना है. क्यों पढ़ना है? क्योंकि उसमें से भी कुछ एग्जाम में आ सकता है. यस, लेट अस स्टार्ट. ओलिवर गोल्डस्मिथ 1730-74 एन आयरिश पोएट वाज बोर्न इन लॉन्गफील्ड एंड रिसीव्ड हिज एजुकेशन फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन. गोल्डस्मिथ है, उनका जन्म 1730 का है, मृत्यु है वो 74 में है, लाइफ स्पान है वो बड़ा कम है. इफ वी मेजर इट फ्रॉम द क्राइटेरिया ऑफ ड्यूरेशन, काल के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो कम है. अदरवाइज बेटा जीवन का जो प्रभाव है वो समय, समय का मतलब स्पान, ड्यूरेशन के कितने समय जिया, उसकी बजाय जिया उतने समय क्या किया उससे मापा जाना चाहिए. जिया उतने समय क्या किया, ज्यादा दिया कुछ नहीं किया और कम दिया बहुत कुछ किया, तो कौन सा ज्यादा बेटर है ये निर्णय आप स्वयं करें. स्थान का नाम है लॉन्गफील्ड, यहां पे जन्म हुआ और शिक्षा कहां ग्रहण की है, ट्रिनिटी कॉलेज का नाम है डबलिन. स्थान का नाम है डबलिन, नामक स्थान में ट्रिनिटी कॉलेज से उनकी एजुकेशन हुई. ही वाज अ पोएट, नॉवेलिस्ट, एसेस्ट एंड प्ले राइट. देखिए मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है, बहुआयामी व्यक्तित्व है, कई कार्य एक साथ करने में सक्षम रहे. कवि थे, उपन्यासकार भी थे, ऐसे भी लिखते थे और प्ले राइट भी थे, तीनों काम एक साथ करते थे. ही वन नेम एंड फेम फॉर हिज नॉवल द विकार ऑफ वेकफील्ड 1766, हिज पोएम द डेजर्टेड विलेज 1770, फ्रॉम हिज The prescribed piece, The Village Schoolmaster is extracted, was a milestone in his literary career. देखिए बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है ये, The Vicar of Wakefield, और इनका जो collection of poem है Deserted Village, वो उनका एक बड़ा ही प्रसिद्ध माइलस्टोन अपने आप में है, उस पर
उनका जो जीवन का ये समझे बड़ा अचीवमेंट आधारित है। वाजी महेश्वरी जी ट्रेड कह रहे जिसमें से अपना ये जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट क्या है, द विलेज स्कूल मास्टर, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट। ये उस डेजर्टेड विलेज जो उनका कलेक्शन है उसमें से लिया गया है। ये भी ध्यान में रखना है बेटा, ये दो नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न बनता है। ही इज ऑल्सो रिमेंबर्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग प्लेज। वो अपने आउटस्टैंडिंग प्लेज जो हैं उनके लिए जाने जाते हैं। इनके जो ड्रामा है वो बड़े ही शानदार रहे हैं, इस क्षेत्र में वो जाने जाते हैं। तो उनके नाम है देखिए, द गुड नेचर्ड मैन, सी स्टूड टू कॉन्कर, और द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड पोएट्री कलेक्शन ट्रैवलर। ये इनके बेटा कार्यों के नाम हैं जिनको हमें याद रखना है, जिनमें से एक या दो आप नाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रखेंगे। यस, नाउ वी कम ऑन टू इंटरप्रेटिंग द पोएम। कविता है उसका इंटरप्रिटेशन अपने एंगल से बताने का प्रयास करते हैं, उसको आपको गो थ्रू होना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों के बिहाफ पे इसको पढ़ रहा हूं, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ऑल दो वेन एवर वी गो थ्रू द टेक्स्ट, जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको इंटरप्रिटेशन है वो निश्चित रूप से बताया जाएगा और बहुत अच्छा बताया जाएगा। फिर भी आप जो किताब में दिया है उसको पूरा का पूरा पढ़ने का समझने का अपना सर्वोत्तम प्रयास है वो करेंगे, हमें करना भी चाहिए। देखिए क्या लिखा है, द विलेज स्कूल मास्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ओलिवर गोल्डस्मिथ्स पोएम द डेजर्टेड विलेज। ये तो इतना तो तथ्य अपने को याद रखना ही रखना है कि जो विलेज स्कूल मास्टर है वो एक्सट्रैक्ट है, और ओलिवर गोल्डस्मिथ की जो बड़ी पोएम है डेजर्टेड विलेज, द डेजर्टेड विलेज, उसमें से एक छोटा सा पीस है वो अपने सिलेबस में द विलेज स्कूल मास्टर के नाम से डाला गया है। Inspired by the pastoral ballet tradition, he presents a lively and vivid imagery of the village Auburn in Ireland in this poem. गांव का जो बाहरी एरिया है जहां पर स्कूल बना हुआ था आयरलैंड में, उसका उन्होंने बैलेट वाली परंपरा में एकदम जीवंत दृष्टिकोण से कहानी बताई जाती थी बैलेट में, उस परंपरा में वर्णन किया है। This village is an imaginary idol village based on his recollection of a real village he had lived in. देखिए ये कविता में तो बेटा imaginary होता है, तो जिस विलेज का जिक्र किया जा रहा है, जिसकी बाउंड्री है, स्कूल है, ये पर imaginary भी किसी न किसी उनके हकीकत अनुभव पर ही आधारित होता है। imaginary का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं पर भी उन्होंने कोई प्रेरणा ली नहीं, प्रेरणा मिलती है जो कुछ देखा हुआ है, फिर उसमें अपनी इमेजिनेशन के रंग कभी भरते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ द विलेज स्कूल मास्टर इज इंस्पायर्ड बाय मिस्टर थॉमस पैडी बायरन हु हैड टॉट गोल्डस्मिथ एट लिस्सोए द आयरिश विलेज वेयर ही हैड वंस लिव्ड इन हिज चाइल्डहुड। ये देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है बेटा, इसको अपने को याद भी रखना चाहिए और दो नंबर का प्रश्न भी इस पर बनता है। अच्छा, द पोर्ट्रेट ऑफ द विलेज स्कूल मास्टर इज इंस्पायर्ड, ये जो पोर्ट्रेट है ये किससे प्रेरित है, ये आप ध्यान में रखना कि विलेज स्कूल मास्टर जो गुरुजी का कैरेक्टर स्केच है वो ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। इंस्पायर्ड बाय मिस्टर थॉमस पैडी बायरन, ये एक ही व्यक्ति का नाम है, थॉमस पैडी बायरन,
टॉमस पैडी बायरन के करेक्टर से ये प्रभावित है, जिन्होंने गोल्ड स्मिथ को लिस्सोए एक स्थान का नाम है, लिस्सोए नामक स्थान पर, आयरिश विलेज है ये लिस्सोए, वहां पर वंस लिव्ड इन हिज चाइल्डहुड, जहां पर ओलिवर गोल्ड स्मिथ है वो अपने बचपन के दिनों में रहा करते थे, थोड़े समय उन्होंने अपना बचपन वहां पे बिताया है। The poem opens with a casual description of the geographical location of the village schoolmaster's mansion. एक casual का मतलब abrupt सा, अचानक से शुरू होती है। उस description क्या है कि उस mansion का, उस स्थान का, उस भवन का, boundary का, चारों तरफ का उन्होंने वर्णन किया है। The schoolmaster was a strict disciplinarian. स्कूल वाले जो गुरुजी थे वो बहुत ही ज्यादा अधिक अनुशासन प्रिय थे। His pupils viewed him with fear and respect. उनके जो विद्यार्थी थे वो उनको सम्मान और भय दोनों दृष्टिकोण से ही देखा करते थे। The children in general had great respect and regard for him, but feared to see him angry. Yet they laughed merrily at his jokes. सामान्यतया क्या होता था, देखिए कि विद्यार्थी उनका बहुत सम्मान करते थे, पर उनको गुस्से में देखने पर बच्चों को भय भी बहुत ज्यादा लगता था। Fear to see him angry, कि उनको गुस्से में देखने से डरते थे। फिर भी गुरुजी अगर कभी जोक सुनाते तो उन पर बच्चे खूब हंसा भी करते थे। He was a man of benevolent nature, yet hearty of his learning. He was jack of all trades. ऐसा व्यक्ति था, benevolent होता है बेटा उदार, kind hearted था गुरुजी का अर्थ है। प्रकृति ऐसी थी, हटी ऑफ इज लर्निंग, पर अपने जो ज्ञान के प्रति उनका बड़ा भारी आग्रह था और सीखने के मामले में, सिखाने के मामले में बड़े ही अनुशासन प्रिय थे। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब क्या होता है बेटा, पता है? बड़ी प्रसिद्ध एक कहावत है, पूरी कहावत आपको ध्यान नहीं होगी, है तो आप मेरे को बता सकते हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन, ये पूरी कहावत है। आप यहाँ पे इतना ही समझे क्योंकि इतना ही लिया है टेक्स्ट में, इसलिए इतना बताया जाएगा। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है MPW, आजकल एक टर्मिनोलॉजी चलती है, मल्टीपर्पज वर्कर। दूसरा आप गेम देखते हैं, जैसे क्रिकेट में क्या होता है ऑलराउंडर। तो बेटा स्कूल के दिनों में खासतौर से, अभी भी आप देखें, अभी फिर भी छठी से आठवीं तक भी ये होने लग गया है कि विषय अध्यापक हुआ करेंगे। पहले क्या था बेटा कि आठवीं तक कहना कोई गुरुजी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे, मतलब जो बीए बीएससी बीकॉम है, एमए किए हुए हैं, तो वो छठी क्लास में ज्योग्राफी भी कोई गुरुजी पढ़ा देते, अंग्रेजी भी कोई गुरुजी पढ़ा देते। अब देखो बेटा, कोई छठी क्लास का बच्चा है, उसको गणित की टेबल भी मैंने 18 की बता दी, उसको टेंस भी मैंने बता दिए, उसको भारत का नक्शा भी बता दिया, अब इतना तो मेरे को आता है। तो वो क्या समझेगा छठी वाला बच्चा कि गुरुजी को तो बस धरती पर जो ज्ञान है वो सारा ही आता है, क्योंकि हर विषय बता दिया। जबकि वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है, ध्यान में रखें, वास्तविकता में एक विषय के अंदर भी पारंगतता प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, कठिन कार्य है। प्रारंभिक स्तर पे आप 2, 5, 10, 15 विषयों के बारे में भी इतनी जानकारी रख सकते हैं जितनी एक छठी आठवीं के बच्चे को दी जानी चाहिए, तो उस बच्चे के एंगल से आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो जाते हैं। ही न्यू हाउ टू राइट डिबेट्स ऑन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, सर्वे फील्ड्स, फोरकास्ट, क्लाइमेट एंड मेजर द कंटेंट इन वेसल एंड सो ऑन। देखो गुरुजी को ये सारी बातें आती थी बेटा, और ये कोई बड़ी कठिन नहीं है, आज के युग में तो बिल्कुल भी नहीं है। उस समय विद्यार्थियों को लगती थी कि लिखना और वाद विवाद और समस्याओं को सुलझाना, सर्वे करना, थोड़ा बहुत टाइम के बारे में भविष्यवाणी भी करना, और किस घड़े में कितना पानी आता है, लीटर में, किलो में, ये बताना, इस तरीके की छोटी मोटी जो गणना है वो गुरुजी को सारी आती थी। तो वो लोग, गांव के लोग बड़े प्रभावित होते थे। विलेजर्स एडमायर्ड हिम फॉर हिज इंप्रेसिव यूज ऑफ वर्ड्स एंड ग्रेट स्टॉक ऑफ नॉलेज। तो गांव के लोग उनके अच्छे ज्ञान के लिए और अच्छे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए तारीफ करते थे कि गुरुजी का ज्ञान तो जबरदस्त है।
इवन द विलेज क्राइस्ट एक्नोलेज्ड हिज मास्टरी ओवर वर्ड्स। देखो गांव में बेटा मुख्यतया आज भी हमारे देश में ध्यान में ये तो वहां की चर्चा है, अपनी चर्चा नहीं। गांव में जो मुख्य रूप से जिनका सम्मान होता है, जिनको लोग मानते हैं, एक तो गुरु जी और दूसरे पुजारी जी या पंडित जी। जो मंदिर के अंदर पंडित जी है और गुरु जी है, इन दो को सामान्यतया सब जगह सम्मान की नजरों से ही देखा जाता है। तो वो प्राइस जो दे वहां पर प्राइस कौन है? क्लर्जीमैन, पादरी जिसको बोलते हैं, वो भी उनका, ये लोग आपस में सामान्यतया एक दूसरे का सम्मान करते हुए कम पाए जाते हैं। पंडित जी कहेंगे गुरु जी को क्या आता है, गुरु जी कहेंगे पंडित जी को क्या पता है, जबकि वहां क्या है, प्राइस्ट भी इनका गुरु जी का सम्मान करता था। He was fond of arguing and kept doing so even after being defeated. Fond of arguing मतलब तर्क करना पसंद करता था, kept doing so ऐसा करता रहता था even after being defeated, हार होने के बाद भी तर्क उतर्क करता रहता था। The villagers were amazed and awestruck at the amount of knowledge that lay stored in his small head. और गांव के लोगों को बेटा अचंभा किस बात का होता था बेटा, पता है कि जैसे इतना छोटी सी खोपड़ी है और उसमें इतनी मात्रा में ज्ञान रखते कैसे गुरु जी, ये अचंभा होता था। ये बेटा उस जमाने की बातें ध्यान में रखना, जब रेडियो बोलता था तो लोग ये सोचते थे कि रेडियो में कोई बैठा है। द पोएट कंक्लूड्स दैट ऑल हिज फेम हैज डिसअपीयर्ड एंड इवन द प्लेस बिलोंगिंग टू हिम वाज बीइंग फॉरगॉटन। देखो निष्कर्ष में लास्ट में कवि क्या बता रहे हैं कि जो उनकी प्रसिद्धि है वो सारी अब गायब हो गई है। जो स्थान है जहां पर गुरु जी दिन रात मेहनत किया करते थे, कभी उनका दबदबा था, रुतबा था, आज भूल चुके हैं। द पोएम हैज ए रूरल बैकग्राउंड एंड डेपिक सीन ऑब्जेक्ट्स फोक एंड मैनर्स टिपिकल ऑफ एन 18th सेंचुरी ब्रिटिश विलेज। 18वीं शताब्दी का जो एक टिपिकल गांव होता था ब्रिटेन का, उसके सारे लक्षण इसके अंदर पाए जा रहे हैं। द पोएम कंटेन्स वर्ड्स विद नॉस्टैल्जिक रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स चाइल्डहुड डेज। कविता में क्या है, नॉस्टैल्जिक होता है बेटा पुरानी स्मृतियों से जुड़ी हुई यादें। इसमें आदमी याद करता है कि मैं ऐसे करता था, मैं वैसे करता था, वो नॉस्टैल्जिक होता है। चाइल्डहुड डेज के बारे में सभी होते बेटा कि हम बचपन में ये किया करते थे। इट इज रिटन मेनली इन क्लोज कपरेट ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, जो सोनेट में काम में आता है। 10 डेकासिलेबिक लाइन होती है, डेकासिलेबिक लाइन है, 10 सिलेबल है उसमें। क्लोज द कपल, क्लोज कपलेट्स जो दोहे बने हुए हैं आपस में जुड़ रहे हैं, और पेंटामीटर काम में लिया गया, वन स्टेस्ट वन अनस्टेस्ट सिलेबल। द एक्सट्रैक्ट इज एन एक्सक्लूसिव पीस ऑफ पोएट्री डेडिकेटेड टू द विलेज स्कूलमास्टर। और ये एक्सट्रैक्ट क्या है कि विशेष रूप से एक ऐसा पीस, ऐसा टुकड़ा निकाला गया है उस डेजर्टेड विलेज में से, जो पूर्ण रूप से विलेज स्कूलमास्टर जो गांव के गुरुजी थे उनके करेक्टर को समर्पित है। गुरुजी के करेक्टर को समर्पित ये पीस उस डिजर्टेड विलेज में से दिया गया है। वी वुड कंटिन्यू एंड होपफुली वी विल टेक दिस पोएम नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।